पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन अंकुश शुरू किया गया था, जिसमें अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस जुटा रही थी। इसी कड़ी में भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थों के साथ दो संदिग्ध व्यक्ति अयोध्या बाईपास के कोच फैक्ट्री जंगल में बैठे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच हरकत में आई और तस्करों की धरपकड़ के लिए एक योजना बनाकर घेराबंदी की गई है। तस्करों की धरपकड़ कर चरस की बड़ी खेप जब्त की गई है। जब्त की गई 36.18 किलोग्राम चरस के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 12.50 करोड़ बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के हैं। आरोपियों ने बताया कि वो नेपाल से बिहार के रास्ते अवैध मादक पदार्थ भारत लाते थे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि ऑपरेशन अंकुश शुरू किया गया था, जिसमें अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस जुटा रही थी। इसी कड़ी में भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थों के साथ दो संदिग्ध व्यक्ति अयोध्या बाईपास के कोच फैक्ट्री जंगल में बैठे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच हरकत में आई और तस्करों की धरपकड़ के लिए योजना बनाकर घेराबंदी की गई। तस्करों को धरपकड़ कर चरस की बड़ी खेप जब्त की गई है। जब्त की गई 36.18 किलोग्राम चरस के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 12.50 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने धरपकड़ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम हरिकेश चौधरी एवं विजय शंकर यादव है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिहार के हैं। आरोपियों ने बताया कि वो नेपाल से बिहार के रास्ते अवैध मादक पदार्थ भारत लाते थे। आगे पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, कुछ और बड़े खुलासे होना बाकी है। पूर्व में भी यहाँ पे इस गिरोह द्वारा सप्लाई किया गया था चरस, तो लगभग कितना चरस हो गया और कितने पूर्व में पकड़े गए थे? पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है, नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। छोटी छोटी जो कड़ियां जो स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनका नाम सामने आएंगे। सामान्य तौर पर ट्रेन के माध्यम से लाते थे। ट्रेन में जो एक सामान का जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं अच्छी, जो लंबी दूरी की भी जो ट्रेन थी, इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन पे लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूँकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख दें तो पकड़ना संभवतः मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर ही पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह की कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में, किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है, ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खास तौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं उससे पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है, तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्कों को खंगालेगी, इनके नए सूत्र जो इनके संपर्क में हैं उन तक पुलिस पहुँचेगी और घटनाक्रम को एक जो बड़ी रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं लेकिन अभी चूँकि घटना पुलिस को उन तक पहुँचना है, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है, इस कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए उनका नाम अभी लिया जाना उचित नहीं है। ये जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से लेकर के जहाँ जहाँ पे रुके हैं, जहाँ जहाँ पे जाते गए हैं या जिन लोगों के संपर्क में हैं, पुलिस उन सारे कड़ियों तक पहुँच रही है। खासतौर पे नाम अभी पुलिस आदमी के इसलिए नहीं कर रही है कुछ लोगों के कि नाम लिए जाने के बाद फिर उनके भाग जाने की संभावना बढ़ जाएगी।